हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड कैसे आप ले सकते हैं, जो कि आज के इस वीडियो में आपको लाइव अप्लाई करके बताऊंगा। लेने के लिए क्या क्या टर्म कंडीशन रखा गया है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया आपको फिलफिल करना होगा, जो कि सारा कुछ मैं आपको डिटेल बताऊंगा। अगर आप लेना चाहते हैं फ्लिपकार्ट जो कि एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, अगर आप जैसे कि लेना चाहते हैं तो ठीक है, तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, ठीक है, और लेने के लिए क्या करना होगा, सारा कुछ मैं आपको डिटेल बताऊंगा। अगर आप लेना चाहते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, अगर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक आप देखिएगा। इस लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और बड़ी आसानी से आप लोग जो कि आवेदन करके अप्लाई करके यानी कि घर बैठे ले सकते हैं। और इस कार्ड से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, सारा कुछ हम आपको डिटेल बताएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं इतने अच्छे से मैं आपको बताऊंगा ताकि दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत ना पड़े। इस वीडियो के देखने के बाद आपको किस प्रकार से आपको अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, सारा कुछ मैं आपको डिटेल बताऊंगा, तो लास्ट के देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। दोस्तों वीडियो कर लेंगे शुरू, बट उससे पहले पहला बड़ा छोटा सा एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बाजू वाले बेल आइकन घंटी को दबाएंगे, ऑल पे आप प्रेस कर देंगे ताकि जैसे मैं और न्यू अपडेट लेकर आऊंगा तो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, ठीक है। दोस्तों चलिए आज के वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जैसे कि आप लोग लेना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट से सबसे पहले आपको अच्छा खासा चूंकि शॉपिंग करना होगा। जैसे फ्लिपकार्ट को लगेगा कि नहीं यह मेरे लिए बेस्ट कस्टमर है तो वो क्या करेंगे कि आपको पे लेटर का एक ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे कि मेरे में दिया है, मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा, ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी मैं दिखा रहा हूँ, लाइव भी मैं दिखाऊंगा, जो कि मेरे में दिए हैं फ्लिपकार्ट जो कि पे लेटर, यानी कि इसका मतलब होता है जो कि मैं फ्लिपकार्ट के पैसे जो कि मैं मंगवा लेता हूँ सामान, उसके एक मंथ के बाद जो कि मैं पैसा रीपेमेंट करता हूँ, इंटरेस्ट रेट जो कि जीरो लगता है, एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं पड़ता है, यानी जो भी मैंने 1233 रुपये का जो कि परचेज किया हूँ तो हमको 1233 रुपये ही अगले 5 तारीख को जो कि हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर ऑप्शन मिल जाता है, इसे अच्छा अच्छा रीपेमेंट अगर करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा, ऐसे स्टेटस देकर अगर रीपेमेंट हिस्ट्री देकर आपको जो कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए ऑप्शन देगा। ऐसे नहीं देगा जैसे फ्लिपकार्ट अकाउंट ओपन किए उसी समय आपको कुछ नहीं देगा, नहीं पे लेटर देगा और नहीं जो कि एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के रूप में जो कि मिलता है फ्लिपकार्ट के माध्यम से वो भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, आपको अच्छे से शॉपिंग करना है, ठीक है, ऑप्शन आने के लिए यानी कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसमें अच्छे से शॉपिंग करना है और जो भी पे लेटर दिया जाएगा उसको टाइम टाइम पर आपको पेमेंट करना है, तब जाकर आपको दिया जाएगा। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना फ्लिपकार्ट को आपको ओपन कर लेना है। फ्लिपकार्ट का जैसे ओपन करें कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको थ्री जो कि थ्री लाइनिंग का एक ऑप्शन मिल रहा है ऊपर में, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा जो कि माय अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जैसे कि आप लोग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो कि हमें अप्लाई नाउ का जो कि ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, तो जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर जो कि हमें फ्लिपकार्ट पे लेटर की तरफ से जो कि 3000 रुपया जो कि हमें दिया गया है और इसमें 1233 रुपया जो कि मैंने यूज कर रखा है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बोला था और अभी भी बता देना चाहता हूँ, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जैसे कि आप लोग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये मिलेगा, तभी जाकर जो कि क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। सबसे पहले अगर आपको ये लेना होगा तब जाकर आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। ये लेने के लिए आपको क्या करना होगा, जो कि शॉपिंग अच्छा खासा आपको करना होगा, और मैं आपको बता दूँ शॉपिंग करने के साथ साथ एप्लीकेशन में किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं कर सकते, तब जाकर आपको दिया जाएगा। यानी कहने के मतलब जो भी आप सामान ऑर्डर करते हैं तो उसको सही अगर है तो रिटर्न नहीं करेगा, अगर रिटर्न कर देते हैं तो आपको फ्रॉड के रूप में आप माने जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आप फ्लिपकार्ट आप कुछ ऐसा कुछ नहीं करेंगे लेकिन आपका जो भी रिपोर्ट होता है वो ख़राब कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिल सकता है, ठीक है। इसलिए मैं अच्छा खासा शॉपिंग का हुआ अच्छा रिजल्ट जो कि फ्लिपकार्ट को करके दिया हूँ, तो फ्लिपकार्ट ने हमें जो कि 3000 रुपये का जो कि पे लेटर जो कि एक्टिवेट किया यूज किया और यह पैसा जो कि एक महीने के बाद जो कि हमें पे करना होता है। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो अप्लाई करके ले सकते हैं, ठीक है। इसका इंटरेस्ट रेट जो कि 0% यानी 1233 रुपये जो कि मैंने जो कि सामान परचेज किया हूँ तो अगले मंथ में यानी कि प्रत्येक 5 तारीख का इसका पेड होता है। अगर इस मंथ में आपने जैसे कि ऑर्डर किया तो अगले मंथ के 5 तारीख में भले आप 6 तारीख को मंगाए तो 7 तारीख या 10 तारीख या 20 तारीख या 22 तारीख या 25 तारीख यानी 5 तारीख से पहले अगर सामान आपका डिलीवर हो जाता है, ठीक है, तो 5 तारीख का आपको अगले 5 तारीख का आपको सब जो कि पेड करना होगा, जो कि जितना का भी आपने यूज किए होंगे उतना पैसा आपको पेड करना होगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट नीचे आप देख रहे थे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए एक ऑप्शन दिया जा रहा है, तो अप्लाई नाउ वाले पर हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है।
तो फ्लिप नीचे अगर जस्ट नीचे देख रहे हैं तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर अप्लाई नाउ का जो कि ऑप्शन मिल रहा है, इस पर हम क्लिक करते इसे बेनिफिट क्या क्या मिलेगा सारा कुछ मैं आपको डिटेल बताता हूँ। करना अप्लाई नाउ वाले पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई नाउ वाले पर क्लिक करें कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, कार्ड कैसा होगा वो भी आपको शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको बेनिफिट जान लीजिए अप टू 5% जो कि अनलिमिटेड कैशबैक, यानी कि किसी भी सेक्टर में कहीं भी जाएंगे तो अगर इसके माध्यम से पेमेंट करते हैं तो 5% आपको कैशबैक मिलेगा और 1100 रुपया वेलकम बेनिफिट जैसे इस कार्ड आपको दिया जाएगा तो 1100 रुपया जो कि इस कार्ड को लेने के लिए आपको बेनिफिट भी दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से लंचेज एक्सेस जो भी कुछ आपको ऑफर आएगा तो सबसे पहले इस कार्ड पर जो कि दिया जाएगा, जैसे कि जो भी कुछ फ्लिपकार्ट पर होता है तो हमेशा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के रूप में EMI पर भी मिलता है और साथ साथ यहाँ पर हमेशा ऑफर कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से रहने के बाद सिंपल सबके क्या करना है, अप्लाई नाउ वाले पर क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ वाले पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा, यहाँ पर नाम देना है, फादर्स नेम दे देना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मदर्स नेम सिंगल हो या मैरिड हो, कुछ मेल जेंडर देना है, इस तरह से सारा कुछ, एजुकेशन देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, इस तरह कुछ फिल करना है। तो चलिए फटाफट सारा कुछ मैं फिल कर लेता हूँ कि सारा कुछ फिल करने के बाद आपको सिंपल से नेक्स्ट वाले पर क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको पैन नंबर मांगा जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में यानी कि आप क्या करते हैं जो भी आपको जो कि शो करना होगा, तो चले फटाफट वो भी मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता दूँ एम्प्लॉयड एक्सेस में यानी कि आप सैलरी या सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको सारा कुछ यहाँ पर डिटेल देना होगा। अगर सैलरी वाले आप जो कि सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो कि कंपनी का पूरा डिटेल यहाँ पर देना पड़ेगा, और जैसे कि बिजनेस वाले जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड जो कि सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आपको एनुअल इनकम देना है, तो यानी कि समझिए 40,000 से ऊपर यानी 40,000 के करीब देना है। बिजनेस नेम आप क्या करते हैं जो भी सारा कुछ आपको इस तरह से देना है, बिजनेस नाम देना है, नेचुरल ऑफ बिजनेस ऑनरशिप आप खुद का है जो भी देना है, और कितने साल से जो कि आप बिजनेस कर रहे हैं सारा कुछ आपको यहाँ पर डिटेल देना है। तो चलिए फटाफट मैं इसको फिल कर लेता हूँ। दोस्तों एनुअल इनकम भी यहाँ पर आपको देना है कि जो कि आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर ईयरली मांगा जाता है, यानी एनुअल इनकम यानी कि 1 साल का मांगा जाता है, और नेचुरल ऑफ बिजनेस में आपका बिजनेस जो कि किस प्रकार से, वो सारी बात यहाँ पर आपको देना है। तो चलिए यहाँ पर एनुअल इनकम जो कि मैं 5 लाख दे देता हूँ। कुछ फिल करने के बाद सिंपल से आपको नेक्स्ट वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट वाले पर क्लिक करने का कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सारा कुछ आपको डिटेल जो कि खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको एड्रेस जो कि सिलेक्ट करना है, एड्रेस यानी आपका करेंट स्टेटस जो भी देंगे, यानी करेंट स्टेटस है या वर्क है दोनों चीज़ आप, यानी करेंट स्टेटस यानी कि आपका जो भी जहाँ रह रहे वहाँ का है, अगर जहाँ काम कर रहे वहाँ का जो कि आपको क्लिक करके नेक्स्ट वाले पर क्लिक करना है। चलिए फटाफट मैं एड्रेस को फिल कर लेता हूँ। उसका सारा कुछ फिल करने के बाद सिंपल से आपको नेक्स्ट वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ से पूछा जाएगा कि URN की किसी प्रकार के से जो कि सीनियर ऑफिसर एक्सिस बैंक में आप किसी सीनियर ऑफिसर है या है या नहीं जो कि आपको देख लेना, अगर नहीं है तो नो पर रहने देंगे, है तो या यानी किसी प्रकार का ऑफिसर है तो यस करेंगे और वरना तो नहीं पर रहने देंगे। उसके बाद फिनिश पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह का टर्म कंडीशन इसका आ जाता है। उसके बाद आई एग्री पर वाले पर जैसे कि देख रहे हैं आई एग्री वाले पर क्लिक करना है, टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करके कंटिन्यू कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपके नंबर पर जो कि OTP गिर जाएगा, ठीक है, जो कि वह OTP आ चुका है। चले फिर जो कि यहाँ पर OTP आ चुका है जो कि एक्सिस बैंक से, मैं इसको ओके कर दूंगा, वेरीफाई वाले पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से आप लोग बड़ी आसानी से प्रोसेस में चल जाएगा और आप लोग की जो कि मैं आपको दिखा देना है जो प्रोसेसिंग में जाएगा और आप लोग की इस तरह से बड़ी आसानी से वेरीफाई होगा। अब नंबर पर भी जो कि SMS आ जाएगा, थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट जो कि वीजा क्रेडिट कार्ड ऑप्शन आ जाएगा और ऑप्शन भी आ जाएगा और यहाँ आपको वेरीफाई भी वेरीफिकेशन भी होगा। तो आप लोग को जो कि डॉक्यूमेंट यहाँ पर वेरीफिकेशन किया जाता है, तो इस तरह से जो कि रिव्यू सारा कुछ होता है, इसके बाद क्रेडिट कार्ड जो कि मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आप लोग बड़ी आसानी से इस तरह से अप्लाई करके ले सकते हैं। वीडियो का सलाह कमेंट सेक्शन आकर बताइएगा, बहुत लोग ज़्यादा कमेंट आ रहा था, इससे पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें आप लोग का काफ़ी सपोर्ट भी मिला था, फिर से दोबारा कमेंट आ रहा था कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड कैसे ले, तो मैं सोचा कि एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूँ और लेने के लिए क्या टर्म कंडीशन आना चाहिए सारा कुछ डिटेल बता दिया हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल के अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी अदर जानकारी के साथ, तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरा फास्ट।